violence, violence, violence. Can't avoid. तो 2022 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देखने के बाद यही कहूंगा कि ये ट्रेलर पूरी तरह से है ब्लॉकबस्टर। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2, जिस फिल्म में हमें रॉकिंग स्टार यश और संजय दत्त खतरनाक अवतार में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस ट्रेलर को आप एक बार देखो, आपको मजे आ जाएंगे। दूसरी बार देखोगे तो आपको और भी ज्यादा मजे आएंगे। मतलब कि ट्रेलर में वो हर एक चीज है जो कि हम इस ट्रेलर से उम्मीद कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर के अंदर जो विजुअल है क्या लाजवाब है। मतलब कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म को कितने ग्रैंड लेवल पर शूट किया है ये विजुअल देखकर पता चलता है। साथ ही साथ दोस्तों ट्रेलर के अंदर जो एक्शन सीन से मतलब कि फाट डाला भैया, ये वाले एक्शन सीन जब पर्दे पर आएंगे ना तो लोग सीटियां और तालियां बजा बजा कर पागल हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ट्रेलर के जो डायलॉग से मतलब कि क्या पावरफुल डायलॉग है, हर एक डायलॉग पर सीटियां और तालियां बजने चाहिए। इतने खतरनाक डायलॉग लिखे हैं, वो भी खास करके हिंदी वाले, तो मजे आ गए, मतलब कि फाट डाला। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेलर में जो यश का लुक है क्या हैंडसम लग रहा है यश यार। साथ ही साथ संजू बाबा पूरी तरह से खतरनाक और एकदम खलनायक अवतार में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस ट्रेलर में एक चीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब कि ट्रेलर में डायलॉग्स अच्छे हैं, एक्शन अच्छा है, विजुअल अच्छे हैं, लेकिन रवि बासुर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो आपके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े कर दे है। तो दोस्तों यहां पे KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर अभी तक मैंने सिर्फ दो बार देखा और यकीन मानिए कि ये वीडियो बनाने के बाद KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर को मैं कम से कम 50 बार देखने वाला हूं। तो दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद यही कहूंगा कि KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से फाड़ देने वाली है और ये फिल्म अपने पहले ही दिन हिंदुस्तान में कम से कम 120 करोड़ की कमाई कर सकती है। वही फिल्म का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 150 करोड़ रुपए जा सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, ट्रिपल आर का रिकॉर्ड KGF चैप्टर 2 अपने पहले दिन तोड़ पाएगी या नहीं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।